एग्जाम टाइम पे नहीं करवाते हैं, एग्जाम टाइम पे होता भी है तो रिजल्ट नहीं आता। सरकार सिर्फ घोषणाएं उस समय याद आती है जब इलेक्शन आता है, इलेक्शन से पहले युवाओं का सोच क्यों नहीं? ये जो घोटाले हो जा रहे हैं सबसे ज्यादा कि इससे जो प्रतिभा है देश की उस पे ठेस पहुंच रहा है। नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है सरकार मुद्दों के लिए परेशान है। कहीं ना कहीं ये देखिए शिक्षा को इन्होंने धंधा बना रखा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में हर वर्ग और हर उम्र के लोगों की अपनी अलग चाहत होती है कि सरकार इस बार कुछ ऐसा करे जो उनके अपने हितों में हो। लेकिन छात्रों के बारे में क्या वाकई में कोई सोच रहा है और छात्र इस चुनाव से क्या कुछ सोच रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आम लोगों के साथ साथ छात्रों को ज्यादा प्रभावित करते हैं और क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे छात्र छात्राएं परेशान हैं? ये जो देख रहे हैं मेरे साथ, इसमें ज्यादातर वो स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीएससी की, कोई दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि स्टूडेंट चाहता क्या है इस प्रदेश का, छात्र इस प्रदेश में कैसी सियासत चाहते हैं, कैसा नेता चाहते हैं और कैसी सरकार चाहते हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आने वाले चुनाव में जो भी सरकार बने वो क्या करे, पहला काम क्या होना चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स से हम ये सुनते रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, नौकरी नहीं मिलती, तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, समय पर नहीं हो पाती। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है, आपको दिख क्या रहा है, क्या वाकई में स्टूडेंट्स के हितों का ध्यान रखा जा रहा है? सर अभी तक जो भी सरकारें आई हैं भाई मध्य प्रदेश में जो भी MBPSC और भी एग्जाम हो रहे हैं तो नियमित तरीके से नहीं होते थे और जो भी होते थे परीक्षाओं में गड़बड़ी होती थी। अब व्यापम से लेकर PSC तक हर परीक्षा में वो पेपर तरीके से नहीं बनाना और रेल टाइम से नहीं निकालना, ये बड़ा मुद्दा था। बहुत दूर से हमारे स्टूडेंट होते हैं जो आते हैं यहाँ पर तैयारी करने के लिए, पर एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं, उनको रहने के लिए माँ बाप खर्चा उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, एक लंबी प्रक्रिया हो जाती थी इसमें। बिल्कुल लंबी प्रक्रिया होती है, मैं समझ गया आपकी बात को। आप लोगों से जिससे भी बात हो जाए वो जाइएगा नहीं, रुके रहिए, क्योंकि सवाल कहीं भी किसी से भी पूछा जा सकता है। मैडम ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, इस समय मध्य प्रदेश में आपको मुद्दा क्या लग रहा है? आप भी देखती रहती होंगी टीवी, अखबार पढ़ती रहती होंगी, नेता जो कुछ भी कर रहे हैं क्या मध्य प्रदेश के हित में हो रहा है? तमाम तरह की घोषणाएं हो रही हैं दोनों तरफ से। मतलब सर किस टॉपिक पर आना है, शिक्षा का पूछ रहे हैं आप? मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ आपसे। ओवरऑल सबसे पहला स्टूडेंट्स का मुद्दा तो है कि शिक्षा जो एग्जाम टाइम पे नहीं करवाते हैं, एग्जाम टाइम पे होता भी है तो रिजल्ट नहीं आता, और रिजल्ट आ रहा है तो फिर वो फिर से करप्शन की वजह से जो भी है, जो अभी पटवारी का हुआ था तो वो टाइम पे एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट आया तो फिर जो भ्रष्टाचार हुआ उस वजह से फिर से कैंसिल हुआ है। तो तीन तीन साल तक स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ऐसे अभी मैं भी SI के एग्जाम के लिए तैयारी कर रही थी, फिर अभी 5-6 महीने हो गए उसके कोई वैकेंसी का आता पता नहीं है, तो फिर मैं PSC करने लगी, PSC आ गई बीच में। तो मतलब स्टूडेंट का कोई एक गोल वो निर्धारित नहीं कर पा रहा है, अगर एग्जाम टाइम पे हो तो स्टूडेंट उस हिसाब से तैयारी कर पाए अपना। बिल्कुल स्टूडेंट का गोल इसलिए निर्धारित नहीं हो पा रहा क्योंकि सरकार और परीक्षा कराने वाले डिपार्टमेंट अपनी तारीख ही निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कब कहां कौन सा बदलाव हो जाए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, इनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट वाकई में परेशान है, आपको ये लग रहा है कि सरकार भी मुद्दों को लेकर परेशान है? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है सरकार मुद्दों को लेकर परेशान है, क्योंकि अगर सरकार ऐसा चाहती तो सरकार उसके लिए वर्क करती जो कि अभी 0 चल रहा है। सरकार को करना ये चाहिए कि तारीख, एक तो मैडम ने जैसा बताया तारीख एकदम निश्चित होना चाहिए, और जो भी क्रियाएं हैं परीक्षाओं की क्रिया हो गई या रिजल्ट की क्रिया हो गई उनमें एकदम पारदर्शिता होना चाहिए जो कि अभी बिल्कुल भी नहीं पारदर्शिता। मैं आपसे भी बात करूंगा, जरा मैं इधर बात कर लूँ स्टूडेंट से, आप इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस समय मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आने वाली सरकार किसी की भी बने उन्हें पहला काम क्या करना चाहिए? अभी तो जैसे देखिए देश के जो भविष्य होते हैं वो छात्र होते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि छात्रों पे ध्यान दिया जाए, जैसे कि जो डीले हो जाती हैं बहुत सारी एग्जाम है और ये जो घोटाले हो जा रहे हैं सबसे ज्यादा कि इससे जो प्रतिभा है देश की उस पे ठेस पहुंच रहा है।
तो ये घोटाले को रोका जाए, घोटाले को रोका जाए। और सरकार से ये भी अपील रहेगी कि कुछ ऐसे मतलब युवाओं के कौशल को डेवलप करने के लिए, जो स्किल्स डेवलपमेंट, कुछ ऐसी मतलब कुछ योजनाएं लाएं, उनसे अपील है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो योजनाएं आती है वो तब आती है जब चुनाव आने वाले हों, और उसके बाद। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। इनका ये कहना है कि घोटाले हो जाते हैं और इस देश का भविष्य का निर्माण तो युवा ही करता है। युवा शक्ति संगठन से जुड़ने की कोशिश करती है, राजनीतिक दल जोड़ते हैं, छात्रों के बलबूते पे सियासत होती है, लेकिन छात्रों के लिए कुछ हो नहीं पाता। आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है क्या? देखिए, जो अपने आका स्टूडेंट है या फिर छात्र जो भी आपका है, वो भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है। सॉफ्ट पावर से मतलब आप कहीं भी देखो, विदेश में या फिर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखिए, सॉफ्ट पावर की इतनी अहमियत हो गई है। और सबसे ज्यादा इसमें हमने योग और युवा, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है उसमें सारे भारतीयों का प्रतिनिधित्व है। जो वहाँ पे जो यहाँ से IIT JEE करके जाता है वो बाहर जाके जॉब पा रहा है। तो इसको निरंतरता बनाए रखने के लिए इसमें एक प्रगतिशील एक विचार और प्रगतिशील सरकार की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात को। एक प्रगतिशील सरकार की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके पास आऊंगा, मैं इधर जरा बात कर लूं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सवाल आया सामने से कि जो भारत में पढ़े, चाहे वो IITian हो या और बड़ी पढ़ाई करके गए हो, विदेश चले जाते हैं, इसके मायने आपको क्या लगते हैं? सर, कहीं ना कहीं ये देखिए, शिक्षा को इन्होंने धंधा बना रखा है। आज अगर अपन बात करेंगे तो जितने भी घोटाले होते हैं, ये नेताओं के कॉलेज होते हैं, रिजल्ट निकाले जाते हैं, क्योंकि इनपे कार्रवाई आज तक नहीं की जाती। ऐसे कॉलेजों को बंद होना चाहिए कायदे से। सभी स्टूडेंट्स को पूछ लीजिए, जो अभी आपने देखा पटवारी भर्ती में जिस तरीके कॉलेज थे, वो सारे नेताओं के कॉलेज हैं। क्योंकि शिक्षा का ये नहीं जाते, शिक्षा को सरकारी संस्थान क्यों नहीं ओपन किए जाते? क्यों नहीं किए जाते? क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है सब इनमें सेंटर दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत होता है। मैं समझ गया आपकी बात को। परीक्षा निर्धारित करते समय कहीं ना कहीं लापरवाही और अनदेखी होती है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आशीष जी आपसे, आप एक वकील भी हैं, युवा भी हैं, भविष्य को भी देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण होने जा रहा है और मध्य प्रदेश में कहाँ कौन परेशान, कौन क्या अच्छा, कौन क्या बुरा, कुछ तो लग रहा होगा आपको। एक महत्वपूर्ण हिस्सा है युवा, जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उस पर ध्यान देना परमावश्यक है। वो बच्चा जो तैयारी करता है किसी भी चीज की करता है, उसके बाद पता लगता है कि एग्जाम कैंसिल हो गए या एग्जाम में घोटाला हो गया, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन की ओर जाता है। इसके लिए चिंता करना आवश्यक है। सरकार सिर्फ घोषणाएं उस समय याद आती है जब इलेक्शन आता है। इलेक्शन से पहले युवाओं का सोच क्यों नहीं, जबकि महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात को, महत्वपूर्ण हिस्सा है। आप मुझसे कोई बोलना चाहेगा? आप बोलना चाहेंगे? अच्छा, आप बोल दीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, ये अक्सर ये सोचते हैं कि युवा हमारे साथ जुड़े और युवा राजनीति करे, सियासत करे, आगे बढ़े, लेकिन युवा तो सब परेशान है। हाँ, फिर हो क्या रहा है? सर, मतलब जो भी सरकार आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी, जैसे आप देख सकते हो, पटवारी की वैकेंसी 2017 के बाद 5 साल बाद आई, उसमें भी घोटाला हो गया। 5 साल इंतजार करना पड़ा, फिर भी घोटाला हो गया। MPSI की वैकेंसी 2017 में आई, उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं है उसकी। तो मतलब जो वैकेंसी वगैरह है, टाइम टू टाइम निकालना, और जो घोटाला वगैरह वो एकदम बंद हो जाए, यही कहना चाहूंगा सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, एक बात तो पता चल रहा है मुझे कि पटवारी की परीक्षा ने छात्रों को इतना बड़ा धक्का दिया है कि हर किसी की जुबान से पटवारी की बात आ रही है। और तमाम ऐसी परीक्षाएं, देखिए घोटाले बहुत हुए हैं मध्य प्रदेश में, CBI तक की जांच हुई है, लेकिन अभी तक छात्र छात्राओं के साथ न्याय नहीं हो पाया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अगर कोई सरकार बनती है और आप लोग वोट डालने जाते हैं जी, तो क्या सोच के मतदान करेंगे? क्या सोच के अपना प्रतिनिधि, अपनी सरकार चुनेंगे? यही सोचेंगे कि फ्यूचरिस्टिक बेस्ड पे, मतलब ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज आए, और मोस्टली जैसे कि 2-3 चीजें हैं ऐड करने को, जैसे कि एज में रिलैक्सेशन होना चाहिए पहला, और दूसरा ये कि मतलब वैकेंसी जो होती हैं वो थोड़ी प्रायोरिटी ज्यादा हो, क्योंकि यूथ मतलब कि स्टेज में जो स्टेज, जैसे कि एज है ना, प्रायोरिटी की जो एज होती है, कैंडिडेट जो एज होती है उसकी वैकेंसी थोड़ी इंक्रीज हो। आप मध्य प्रदेश में पिछले कुछ सालों से लगातार ये देख रहे हैं कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो बढ़ती जा रही है, इसका कोई प्रभाव छात्रों के भविष्य पे पड़ रहा है मैडम?
सर बिल्कुल पढ़ रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा कोरोना की वजह से, कोरोना आया तो उसमें हम लोगों ने एग्जाम नहीं दे पाया, वैकेंसी थी लेकिन एग्जाम नहीं दिए, उसकी वजह से कुछ छात्र ऐसे हैं जो जिनकी एज निकल चुकी है एग्जाम देने की, तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो, जैसा कि भैया ने बात की, एज रिलैक्सेशन होना ही चाहिए। और अगर आप पूछो कि एग्जाम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो सर व्यापम की बात ले लो या एमपीपीएससी की बात ले लो, पहली बात तो इनका कैलेंडर क्लियर नहीं होता, एग्जाम की साइकिल क्लियर नहीं होती है, तीसरी बात यह है कि इनका सिलेबस फिक्स नहीं है, जो सिलेबस देते हैं उसमें से एग्जाम, उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, और क्वेश्चंस भी देते हैं तो सर वो बिल्कुल ही, मतलब अगर इनकी आंसर की की बात करते हैं हम, तो बिल्कुल ही अलग आंसर दे के रखते हैं, तो इनकी उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सर यही है कि अगर आप एक तो एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा रहे हो प्रॉपरली तरीके से, अगर आप एग्जाम प्रॉपर कंडक्ट करवा रहे हो तो उसको साइकिल में रखो, कैलेंडर अपना प्रॉपर रखो, ठीक है, उसके बाद आप वैकेंसीज को बहुत कम रख रहे हो। मैडम भाई वही सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जो रिटायरमेंट की उम्र जो सरकार बढ़ाती है, पहले 60 फिर 62 पता नहीं आगे क्या होगा, इससे युवाओं का जो रोजगार और जो नौकरी की संभावनाएं होती है, कहीं आपको लग रहा है कि इससे बहुत ज्यादा प्रभाव? बिल्कुल ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि जो रिटायर होने वाले लोग थे उनकी जगह जो नए युवा भर्ती होते तो वो नहीं हो पा रहे हैं, वैकेंसी खाली नहीं हो रही है, उसी हिसाब से सरकार जो भी जगह निकालती है तो उनके लिए तो हो रहा है ऑब्वियसली। आप जब वोट डालने जाएंगी तो क्या सोच के वोट डालेंगी, क्या रहेगा आपके मन में, आप कैसी सरकार चुनेंगी? सर मुद्दे तो बहुत सारे हैं, शिक्षा ही नहीं लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो है वो शिक्षा है, साफ सफाई और भ्रष्टाचार, काफी सारे मुद्दे हैं, लेकिन स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में रहता है कि एक वैकेंसी टाइम पे निकले, एक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा हो, तो अभी तो फिलहाल यही है कि अच्छी शिक्षा, अच्छी सरकार हो जिसमें करप्शन ना हो, टाइम टू टाइम एग्जाम कंडक्ट कराए बस। आप बिल्कुल देखिए, हर स्टूडेंट ये चाहता है कि एक अच्छी सरकार हो जिसमें भ्रष्टाचार ना हो, और भ्रष्टाचार नहीं होगा तो स्टूडेंट के भविष्य की संभावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। स्टूडेंट ये चाहता है कि उनके हितों का ध्यान रखा जाए, स्टूडेंट चाहता है कि देश की युवा पीढ़ी आज तरक्की कर रही है, विदेशों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन भारत में उनकी सेवाओं का कोई भी मूल नजर नहीं आ रहा। ऐसे में जरूरी है कि स्टूडेंट जब मतदान करेगा तो उसके मन में यही रहेगा कि एक ऐसी सरकार हो जो कम से कम भ्रष्टाचार से मुक्त हो और छात्रों के हितों का ध्यान रखे। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट, ग्वालियर।